मेरा नाम सागर विजय अरोरा है। मेरा नाम हर्ष अरोरा है। मेरा इन गेम नेम स्टार है। मैं टीम जेएचएस के लिए खेलता हूँ। मेरा इन गेम नेम हर्ष है। मैं टीम जेएचएस से खेलता हूँ। इन गेम लीडर हूँ मैं और टीम का कैप्टन हूँ, प्लस सपोर्ट भी कर लेता हूँ। मेरा रोल एंट्री फाइगर है। ई-स्पोर्ट्स का शुरुआत तो 2015-16 में हुआ था। बेसिकली मैं वीडियो गेम पार्लर में जाता था पहले खेलने के लिए। उसके बाद में फिर मैंने पीसी गेम में एंटर किया, देखा कि कौन से गेम्स है। तो मैं काउंटर स्ट्राइक 1.6 खेलता था, तो वहाँ से फिर सीएस गो में डेवलप हुआ। मैंने 2014 में सीएस 1.6 चालू किया था। उसके पहला कंडीशन जीरो खेलता था, बट सीएस 1.6 मेरे को कैफे के मतलब एक बंदे ने बताया था कि हाई लेवल पे खेलता है, प्रोफेशनल लेवल पे खेलता था। तो उसने मेरे को बताया था कि तू भी सीएस 1.6 चालू कर, मैं इसे तेरे को सिखाऊंगा। तो उन लोगों के साथ ही मैं ऐसे कैफे में लैन वगैरह खेलता था, तो उन लोगों के साथ ही सीखता था। वो मेरे को बताता था कि मेरा जो भी मिस्टेक्स रहता था लैन में, जो भी हम लोग लैन खेलते थे उसमें जो भी मिस्टेक्स रहता था वो मेरे को बताता था कि तू ये मिस्टेक कर रहा है, उस पर तू इम्प्रूव कर। तभी मैं समथिंग 11th 12th में था। बेसिकली मेरे पेरेंट्स स्टार्ट में सपोर्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि लिए उनको सिनेरियो पता नहीं था। सो मैंने बेसिकली एक्सप्लेन किया उनको लास्ट 1 ईयर में। फिर मामा और डैड सपोर्ट करते हैं। सब भाई के साथ ही खेलता था, भाई के साथ ही कैफे जाता था, तो भाई ने मेरे को बताया था। तो मेरे को सिर्फ सपोर्ट सिर्फ भाई करता था, मतलब उसके साथ ही खेलता था, उसके साथ ही कैफे जाता था। मॉम डैड तभी सपोर्ट नहीं करते थे मेरे को। मॉम डैड को अभी लास्ट 1 ईयर हुआ कि उनको समझाने लगे, तभी वो हम लोग को बताने लगे कि हाँ ठीक है तू कर, बट ज़्यादा टाइम मत दे इस पे भी और पढ़ाई पे भी ज़्यादा टाइम दे। मैंने मोबाइल गेम्स ट्राई किया खेलने का मोबाइल प्लेटफॉर्म पे, बट मेरे से नहीं हुआ। मेरे को उससे बेटर ऑप्शन पीसी गेम्स लगा, जिसमें मैं सीएसगो में प्रोफेशनली खेलता हूँ। और मेरे को सीएसगो उससे बहुत बेटर लगा, और मैं सीएसगो के लिए ही बनाऊँ मुझे ऐसा लगता है, और मैं सीएसगो ही खेलूँगा। इंडिया में ज़्यादा कंपनीज इन्वेस्ट नहीं करते कोई टीम पे, उन लोग को भरोसा नहीं रहता कि उन लोग पूरा बराबर डिसिप्लिन में रहेंगे कि नहीं, बराबर लोग डेडिकेशन से खेलेंगे कि नहीं। बट इन द प्रोफेशनल में सब लोग परफेक्ट डिसिप्लिन में रहते हैं, परफेक्ट उनका रूटीन रहता है कि कितना घंटा प्रैक्टिस करना है, कितना घंटा उन लोग परफेक्ट देने का गेम में, और कितना टीम में परफेक्ट बॉन्डिंग रखने का है। मुझे लैन गेमिंग ज़्यादा पसंद है, क्योंकि लैन गेमिंग पे ज़्यादा कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, और अपनी गलतियाँ भी समझ में आती है, और उसको सुधारने का एक अच्छा मौका मिल सकता है अपने को। प्लस एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहता है लैन गेमिंग का, अपने को सामने वाले प्लेयर्स का पोटेंशियल समझ में आता है, और सामने वाले कैसे खेल रहे, स्ट्रैटेजीज वगैरह वो ज़्यादा तरीके से अच्छे तरीके से समझ में आता है लैन गेमिंग में। लैन पे बेसिकली हम लोग को मिस्टेक समझ में आता है कि क्या ओपोनेंट एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, उस पर हम लोग को क्या एग्जैक्टली रिस्पॉन्स देना चाहिए, और स्टैट्स वगैरह उन लोग क्या कर रहे हैं वो हम उसको थोड़ा बहुत एक्सटेंड मतलब एक्स्ट्रा डाल के कुछ तो भी हम खुद का बना सकते हैं स्टैट्स। तो जाके जब अगले बार कभी उनके सामने खेलेंगे तो हम वो स्टैट करेंगे, तो उन लोगों को भी कुछ तो इनोवेटिव लगेगा। MESC का बेस्ट पार्ट ये लगा मुझे कि उन्होंने लैन गेमिंग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। लैन गेमिंग टूर्नामेंट बहुत कम ऑर्गेनाइज होते हैं आजकल इंडिया में। प्लस उन्होंने एक Phase 3 रखा है, Phase 3 में होम अवे फॉर्मेट रखा है, वो बहुत बेस्ट पार्ट लगा मुझे MESC का। MESC का ये एक अच्छा पॉइंट लगा कि उन लोग लैन गेमिंग ऑर्गेनाइज कर रहे, और उसमें एक फेस है जो होम अवे उन लोग दूसरे टीम्स हमारे कैफे में आके भी खेलते हैं, और हम भी उनके कैफे में जाके खेल सकते हैं। उससे समझ में आता है कि हम क्या एग्जैक्टली एक्सपीरियंस मिल रहा है उससे, कि क्या अपन कर सकते हैं आगे।